उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से एक दुखद खबर सामने आ रही। यहां हल्द्वानी से पिथौरागढ़ को आ रही एक कार नेशनल हाईवे में दुर्घटना का शिकार हो गई। इस कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर चुपकोट बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी। नीचे कुछ दूरी पर सड़क होने के बावजूद फिर से सड़क से भी 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़क कर पहुंच गई। इस घटना में 36 वर्षीय कार चालक बलवंत जिमवाल, उनकी पत्नी पूर्णिमा और 6 वर्ष का बेटा भाव्याश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार सुरेंद्र बहादुर और नवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा मृतक जिमवाल परिवार मूल रूप से ओगला का रहने वाला है, वर्तमान जिला मुख्यालय के रईवाड में निवास कर रहा है। मृतक शिक्षक रानीखेत राजकीय इंटर कॉलेज बांसकोट में तैनात थे और उनकी पत्नी पिथौरागढ़ में ही गेस्ट टीचर थी। दीपावली मनाने के लिए अपने परिवारजनों के पास हल्द्वानी आए थे और हल्द्वानी से वापस पिथौरागढ़ लौट रहे थे।